आज तो सुबह 6 बजे से ही रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ। आज उनकी पुण्यतिथि है 31 जुलाई, और मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया यूट्यूब पे, जिसमें जो मुझे कहना था वो मैं कहता रहा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जयपुर से हमारे मित्र रवि कंवर साहब ने कहा कि भाई एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं 24 से 26 सितंबर देव साहब को याद करते हुए, सितंबर में, तो कुछ ऐसे भी तो गीत गाइए ना आज जो देवानंद साहब की अदाकारी हो, रफ़ी साहब की आवाज़ हो। रवि साहब कितने सारे गीत, 100 गीत गाए हैं, 100 गीत गाए हैं रफ़ी साहब ने देव साहब के लिए। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले मेरा दिल, छेड़ा मेरे दिल ने तराना तेरे प्यार का, अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, ऐसे तो न देखो कि हमको नशा हो जाए। ऐसे न जाने कितने सारे गीत देव साहब ने गाए हैं, और वो अपनी तो हर आह एक तूफान है, और आगे चलकर भी मेरा मन तेरा प्यासा, और गाइड के गाने कौन भूल सकता है, क्या से क्या हो गया, दिन ढल जाए, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, इतने सारे गीत गाए हैं देव साहब के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने। तो मैं कितने गीत बता सकता हूँ, ये जो मैंने अभी गुनगुनाए, तो उस प्रोग्राम के लिए दुआएं करते हुए जो जयपुर में होगा देव साहब को याद करते हुए उनकी सालगिरह पे, मैं सोचता हूँ कि मुनासिब वक्त है अपनी इस अधूरी सी प्यास को लेकर मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि अधूरी प्यास ही सृजन की शक्ति है। सृजन होता ही तब है जब मुकम्मल से दूर आपकी अपनी एक अलग ज़िंदगी होती है। मैं अभी कुछ और बातें कहना चाहूँगा, ये मेरा दूसरा वीडियो है आज रफ़ी साहब को याद करते हुए, और इन जंगलों में देखिए ना कितनी खामोशी है। बेनूर मेरी आँखें और दूर का सफर है, उठते हैं पाँव मेरे, गिर जाने का भी डर है, पर काट के किसी परवाज दे रहे हो, टूटे हुए हाथों क्यों साज दे रहे हो, खामोश जिंदगी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ऐसे संगीतकार हैं जिन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब ने तमहीदी दौर से ही सपोर्ट किया था, मतलब उनका पहला गीत भी जो था मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ ही था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और बहुत सम्मान देते थे वो, इसलिए जब उनके लिए धुन बनाते थे तो दोनों ही सोचते थे कि अगर ये दर्द का गीत है तो बस फिर रुलाए ही देना। आँखों से बहता दरिया, होठों से आने का साहिल पे हम खड़े हैं, साहिल की चाह लेकर बर्बादे मोहब्बत को नए अंदाज दे रहे हो, टूटे क्यों साज दे रहे हो। मेरी भी सेंस ऑफ म्यूज़िक बड़ी कमाल की थी बचपन से ही। मैं बहुत छोटा था, शायद 14 बरस की उम्र थी जब मैंने पहली बार इस गीत को सुना था, और मुझे इस गीत को सुनकर लगा कि वाकई रफ़ी साहब तो अपने ढंग के अनूठे
और अनोखे गायक हैं और हैं भी। झूमती हुई हवाओं के बीच भी ये दर्दीले गीत जब हमें याद आते हैं और बारिश बरसती हो तो बस फिर हम रफ़ी साहब को नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। और आज का दिन था जब दुनिया से रुखसत हो गए, 31 जुलाई, वो था 1980। हम भूलते नहीं, तुमको ना भूल पाएंगे रफ़ी साहब, और आपके गीत को बनाएंगे। मौसम नशे में दूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ ना पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम दिल बेकरार सा है, हमको तुम्हार सा है, जब से तुम्हें दे आसमान। ये धुन कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल कल्याण जी आनंद जी को सिस्टम करे थे, और दोनों ने एक दूसरे की बहुत मदद, दोनों ज्योतियों ने एक दूसरे की मदद की। ये समा बारिश का है, बहुत दिनों के बाद बारिश ने अपना मोर्चा संभाला है बेंगलोर में। मैं तो पिछले हफ्ते लोनावाला में 5 दिन की इतनी बारिश पी के आया हूँ कि मैं सोचता हूँ शायद हो सकता है ये उसी का असर हो कि अपने साथ संगत में मैं बारिश को बेंगलोर भी ले आया। ऐसे मस्त बीच का रहते हो दिल के सिवा। रफ़ी साहब को जो हुनर हासिल था उसमें जब वो रोमांटिक गीत गाते थे वो भी कमाल, जब दुख के गीत गाते थे वो भी कमाल, और ऐसी मस्ती में जब वो गुनगुनाते थे वो भी कमाल। आज मौसम बड़ा बेईमान है, ये जब गीत गाते थे ना उस वक्त पहले पता लग जाता था कि ये जो अदाकार है जिस पे इस गीत को पिछलाई है वो कौन है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, जब भी कभी हम इसको सुनते हैं हमें एकदम धर्मेंद्र जी दिखाई देते हैं। रफ़ी साहब का यही कमाल था, वो पहले जान भी लेते थे इस बात को कि ये गीत किस पे पिक्चराइज होना है और फिर उसी के हिसाब से वो गीतों को गाते हैं। 31 जुलाई उनकी पुण्यतिथि। देखिए दोस्तों, खामोश मत रहिए, बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े कलाकार, जिस तरह हमने मुकेश साहब को याद किया 22 जुलाई को, 31 जुलाई भी एक ऐसा ही दिन है, उससे पहले ही जो मन में आए उस गीत को गाइए। इतने सारे गीत आपके पास रफ़ी साहब के गाने के लिए। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, ए जान वफा तुम खूब मिले, ए जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई, ये देख के दिल झूमा ली प्याने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ओपी नैयर, ओपी नैयर साहब के साथ तो बहुत ही बनती थी मोहम्मद रफ़ी साहब की, और कितने खूबसूरत गीत दोनों ने मिलकर के बनाए। लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया कि एक रिकॉर्डिंग पे रफ़ी साहब थोड़े लेट हो गए, तो पूछा ऑफिसर ने कि भाई रफ़ी साहब सब तैयार हैं, आप कहाँ रह गए थे। रफ़ी साहब तो बड़े ही सज्जन इंसान, सीधी बात कही, भाई मैं दरअसल शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग में था, तो वहाँ मुझे वक्त मिला। ऑफिसर ने कहा तो तुम ऐसा करो भाई रफ़ी साहब, अब शंकर जयकिशन के साथ ही रिकॉर्डिंग करो, मैं तो वापस काम नहीं करूँगा। देखिए कैसे लोग थे वो, कुछ ही
अरसे के बाद में, मतलब शायद डेढ़ दो साल के बाद में, एक दिन नैयर साहब पहुँचे रफ़ी साहब के यहाँ। आइए रफ़ी साहब, फिर से शुरू करते हैं वही अपना पुराना सिलसिला, कोई को प्रॉब्लम नहीं, कोई किस्म का अहम नहीं, कोई अहम नहीं। और ऐसे ही रफ़ी साहब भी खामोश रहे थे इंसान, बस जो साफ सुथरी बातें थी वही कहते थे, इसलिए कभी कभी उन्हें परेशानियाँ भी उठानी पड़ती थी। लेकिन ये गीत मुझे बड़ा पसंद है। कैसे गीत बनते थे, रसीले गीत बनते थे। और बारिशों पे तो इतने गीत बनते थे उस जमाने में कि ये मानसून का जो दौर चल रहा है, ज़्यादातर फिल्मों में मानसून दिखाया जाता था और उस पर गीत भी बनाया जाता था कोई ना कोई। ये दिल तेरे प्यार की खातिर जब से बेगाना हो गया, एक ख्वाब था सब लुट गया, सब खो गया, तुम बिन सजन बरसे नयन, जब जब सावन बरसे मजबूर हम मजबूर, तुम दिल मिलने को तरसे। उस दौर को मैं इसलिए भी याद करता हूँ, सावन के महीने का वहाँ बड़ा महत्व था। सावन का महीना आया, बारिश बरसने लगी, और बरसती बारिश में कहीं प्रेमिका गा रही है, घर आजा घिर आ बदरा समरिया, या फिर दूसरी जगह गा रही है, गजरे बदरवारे। प्रेमिका को इन सावन की बूंदों में एक चेहरा नजर आता है। जो गीत मैं अभी गा रहा था, तुम बिन सजन बरसे नयन, मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस गीत को भी कितने खूबसूरत अंदाज में लता जी के साथ गाया है। गीत शैलेंद्र जी का है और टिपिकल ऑर्केस्ट्राइजेशन जो इसमें नज़र आता है वो शंकर जयकिशन का है। तो ये एक ऐसी टीम थी जो हमें बड़े रसीले और नशीले गीत देती थी, और ये सावन का महीना है और इस सावन के महीने में ऐसे गीतों को सुनना हमारे लिए तो एक वजह खुशी ही रहती है। और इतने सारे गीत होते थे, ओ सजना बरखा बहार रस की फुहार अखियों में प्यार लाए। ये फुहार, ये जो पौधों के सामने दिखाई दे रही है, ये है फुहार, रस की फुहार। अगर ज़िंदगी में ये रस की फुहार है तो बड़े से बड़े गम को जीत लेने का जज्बा इंसान में बना रहता है। बरस रहा है सावन कितना पावन, बरस रहा है सावन। मानाज की रात है लंबी, माना दिन था भारी, पर जग बदला बदलेगी एक दिन तकदीर हमारी, उस दिन के ख्वाब सजाओ मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ मैं गाऊं तुम सो जाओ। ला रा रा
ला रा 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 रा। इस गीत को मैं जितनी बार भी सुनता हूँ मैं सोचता हूँ कि क्या कमाल था मोहम्मद रफ़ी साहब का, और किस अंदाज में वो बात को समझकर गीत को गा देते थे। बहुत पहले भी रात से पहले शाम का एक गीत सुना था, हो गया चमन समन सो गई कली कली, सो गए हैं सब नगर सो गई गली गली, नींद कह रही है चल मेरी बाहें था, तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम, आज कल में ढल गया दिन। ऐसे गीत गाए रफ़ी साहब ने, दर्द के भी, खुशी के भी, विरह के भी और उदासियों के भी। इस मंज़र को देखते हुए मुझे ये दोनों गीत इसलिए याद आए, कितना ठहराव है इसमें, कितना ठहराव है, और कैसे गाते थे रफ़ी साहब उन अल्फाज को समझकर याद आते हैं। वो दिन जिन दिनों में हम इन गीतों को इतने करीब से सुना करते थे, अब तो वक्त बहुत पीछे रह गया, लेकिन रफ़ी साहब हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमा थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम का खया। सुबह हो तो, शाम हो तो, और रात हो तब भी गीत मोहम्मद रफ़ी साहब के दिल को छूने वाले ही होते थे। मेरे हमदम मेरे दोस्त एक ऐसी फिल्म थी जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत ही कमाल का संगीत दिया था, उसमें बड़े रसीले चमकीले गाने भी थे, और लता जी का गीत तो कौन भूल सकता है, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। लेकिन ऐसा होता था उन फिल्म्स में कि जब मोहब्बत परवान चढ़ती थी तो बीच में कोई ना कोई विघ्न या बाधा आ जाती थी, और फिर हीरो जो है वो अकेले में जा कर के गाने गाता था। जैसे यही गीत धर्मेंद्र गा रहे थे, लेकिन सुनील दत्त भी ऐसी एक उदासी में गा रहे थे वो गीत जो दिल को छूता है। आपके पहलों में आकर रो दिन, और संजय खान भी कर रहे थे कुछ, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। संगीतकार सिर्फ बताते थे मोहम्मद रफ़ी साहब को कि गीत का मूड क्या है, गा किसके लिए रहे हैं आप, और रफ़ी साहब हूबहू गा के दिखा देते। बरसती बारिशों में मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करना एक बहुत ही अद्भुत सा मंज़र पेश करता है, और गाना चाहिए हमें, ज़रूर गाना चाहिए उन्हें याद करना। ए आज नए अरमानों से आबाद मेरे दिल की नगरी,
बरसों से खिजां का मौसम था, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, हाथों में तेरा आंचल आया तो बहार आई, ये देख के दिल झूमा, प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। ऐसे बनते थे वो सावनी गीत। अब तो खैर सावन का महीना है और घटाएं छाई रहती हैं, बौछारें पड़ती रहती हैं, और ऐसे में ये गीत याद आता है SH बिहारी साहब का लिखा हुआ। OP नैयर साहब ने इसकी धुन बनाई, बड़ी रसीली धुन बनाई, और ये गीत गाया गया मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोंसले जी दोनों ने मिलकर इस गीत को गाया। ये गीत बहुत ही रसीला है। सावन की बरसती हुई बूंदों में जब मन प्रफुल्लित होने लगता है, मन मयूर नाचने लगता है, तो ऐसे में इस तरह के गीत याद आते हैं। सावन की घटा छाई, ली प्यार ने अंगड़ाई, कितने खूबसूरत अल्फाज हैं SH बिहारी साहब के। ये सभी वो लोग हैं जिन्हें बड़ी जंग करनी पड़ी थी, जद्दोजहद करनी पड़ी थी अपनी ज़िंदगी में, और पिक्चराइज्ड है ये गीत शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर पे। शर्मिला टैगोर तो आई थी हिंदी फिल्म्स में, और शम्मी कपूर तो वेटरन थे ऑलरेडी। ऑनेस्टी देखिए, ईमानदारी देखिए शम्मी कपूर की। कहा करते थे कि मेरी कामयाबी के दो ही राज हैं, एक मोहम्मद रफ़ी और दूसरे कश्मीर। और इत्तेफाक ये कि इस गाने से दोनों ही जुड़े हुए हैं, रफ़ी साहब भी हैं, कश्मीर भी है, और शम्मी कपूर साहब तो रफ़ी साहब के गीतों को कितने खूबसूरत अंदाज में अदा किया करते थे, कितने ही गीत हमें याद आते हैं। तो याद आ रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, उनकी गायकी और उनका हुनर। एक जादू का नाम है मोहम्मद रफ़ी साहब। आज मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, मैं क्या न जाने कितने सारे लोगों ने याद कर रहे हैं। ये हमारे लिए वजह खुशी है कि शाहिद साहब ने एक म्यूज़ियम बनाया है बॉम्बे में, और मैं तो अभी तक नहीं जा पाया, जाऊँगा कभी। याद को याद रखने का कितना खूबसूरत तरीका है। बेंगलोर में हमारे मूर्ति जी अपने नाम के साथ फीको लिखते हैं, इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना सम्मान मूर्ति जी के मन में रफ़ी साहब के लिए है। अरुण गौतम बैठे हुए हैं दिल्ली में, एक म्यूज़ियम बना रखा है उन्होंने, और न जाने कितने सारे लोग। BG राज साहब तो 31 जुलाई को यानी आज एक बड़ा प्रोग्राम बेंगलोर में कर रहे हैं, बड़ा सुरीला प्रोग्राम होगा वो। राम नागराज साहब जब गाते होते हैं महफिलों में, और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने वो भी अद्भुत होते हैं, उनका साथ देते हैं शास्त्री जी। ये बड़ा कमाल का हिस्सा है बेंगलोर का, जहाँ संगीत ऐसे गूंजता है। उधर बॉम्बे में बीनू नैयर साहब तय कर चुके हैं कि भारत रत्न के लिए आंदोलन चलाए रखना है, और विनोद शाह साहब के पास में कितने सारे गीत हैं मोहम्मद रफ़ी साहब के। इधर पराग डिमरी साहब नोएडा में, और अनिल रतिन साहब के पास कितने गाने। मैं ये वो नाम ले रहा हूँ जिन लोगों को मैं जानता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं। इतना जुनून उनके दिल में और जोश उनके दिल में मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए रहता है। तो अपनी बात को हम ख़त्म किए लेते हैं। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। ऐसे इंसान धरती पे एक ही बार आते हैं, जिस तरह इस दुनिया में एक ही कोई नूर है, एक ही ताजमहल है, एक ही लता मंगेशकर जिनका नाम हमेशा रहेगा वक्त के सीने पे लिखे एक हस्ताक्षर की तरह, उसी तरह मोहम्मद रफ़ी साहब भी इस दुनिया में कमाल ही करते चले गए। कितना सम्मान था मोहम्मद रफ़ी साहब के दिल में अपने गायक दोस्तों के लिए, जो उनके साथ साथ
इस दुनिया को सुरीला बनाते चले गए। ये दिन था रात का, लगभग 10:30 का वक्त था। दिन में ही तबीयत ख़राब हो गई थी, 10:30 के करीब रुखसत हुई। और अगले दिन जब सुपुर्दे खाक होना है तो आसमां बरस रहा था जैसे समंदर बरस रहा हो, इतनी बारिश थी बॉम्बे में। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, और जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग गुनगुनाओगे, जी हाँ हमेशा दायां। फिल्म काला बाजार का एक गीत बनना है, विजयनंद की डायरेक्शन है, बर्मन दादा का संगीत है, लेकिन शैलेंद्र जी पकड़ में नहीं आ रहे, क्योंकि उनके पास में इतना काम था उन दिनों में, वक्त नहीं निकाल पा रहे थे। तो बर्मन दादा ने कहा एक दिन पंचम से, पंचम लग जाओ पीछे शैलेंद्र के और गीत लेके वापस आना, बस चाहे कुछ भी हो। 18-19 साल का पंचम जो है, उसने लहरा दिया अपना परचम, लग गया पीछे सुबह से, जहाँ शैलेंद्र जी जाएं वहाँ वो मौजूद। आखिर रात होते होते शैलेंद्र जी ने देखा कि ये सब पीछा ही नहीं छोड़ रहा। क्या हुआ पंचम, क्यों पीछे पड़ा है भाई? अरे सर, आपको गीत देना है आज, और बाबा कह रहे हैं गीत लेके आना। शैलेंद्र जी ने कहा चल भाई चल। समंदर के किनारे जाकर बैठे, रात के लगभग 11 बज गए होंगे, और वहीं उन्होंने बैठ करके जो गीत लिखा, आज भी हम उसे गाते हैं। ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की वो बात, अब तो ना सताओ हो, खोया खोया चांद। अब ये गीत बन गया, और विजयनंद इसकी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए। देव साहब ने कहा यार ये बड़ा फास्ट सा गीत है, मैं इसमें करूँगा क्या, बहुत तेज़ तरार सा गीत है ये, तो बना तो बहुत अच्छा है, करूँ क्या मैं इसमें। विजयनंद ने कहा पापे, बड़े भाई को पापे कहते थे पंजाबियों में ना, पापे तुम्हें कुछ नहीं करना, ये शूटिंग ऊटी में हो रही है, इसी तरह से वहाँ भी चिराग जलते दिखते हैं, तो ये शूटिंग ऊटी में हो रही है पापे, और तुमने सिर्फ चलते रहना चलते रहना चलते रहना, कुछ नहीं करना। और अगर इस गीत को आप इत्मीनान से देखें तो आप देखेंगे देव साहब इधर उधर किधर जिधर चलते चले जा रहे हैं, और आज भी 60 बरस के बाद भी इतना ही खूबसूरत है ये गीत जितना कभी था। 63 बरस कही है ना, 63 ईयर्स के बाद भी गीत बचे रहते हैं। कौन लोग थे, कैसे बनाते थे, हम रफ़ी साहब को याद करते हैं, और गाया भी किस अंदाज में था रफ़ी साहब ने, ऐसी आवाज़ जो दिल तक जाती है, खोया खोया चांद, आंखों में सारी रात जाएगी। क्या गीत है, अपने ढंग का अद्भुत गीत, अनमोल। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में बात की जाए और कमरे में बैठकर, वो तो एक बात है, लेकिन मुझे मोहम्मद रफ़ी साहब याद आ रहे हैं बहुत, और बहुत कुछ मैं उनके बारे में कहे जा रहा हूँ। सबसे पहला गीत जो मैंने 5 या 6 साल की उम्र में उनके गाया हुआ सुना था, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, और वहाँ से उन्होंने हमें अपने साथ में लिया। फिर मैंने सुना जरा सामने तो आओ चलिए, और फिर थोड़ा और आगे बढ़ा, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदूर। अब छोटी सी उम्र थी, चश्मे बदूर का मतलब पता नहीं, हम पूछें चाचा जी ताया जी ये बताओ जी ये क्या होता है, वो हंसने लगते थे। खैर और आगे हम बढ़े, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। अब हम थोड़ा जवानी की दहलीज पे आ चुके थे, और जवानी की दहलीज पे आकर के गीत जो मिले रफ़ी साहब के, बहारों फूल बरसाओ, चिड़ियों ने भी गाना शुरू कर दिया महबूब की बात सुनते ही, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम सा नहीं देखा, कितने सारे गीत हम मोहम्मद रफ़ी साहब के
बचपन से जवानी से होते हुए सुनते चले। अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा। लेकिन उनके जो कम सुने हुए गीत हैं उसमें मुझे एक गीत बहुत पसंद है। मुझे तुमसे मोहब्बत है मगर मैं कहूँ नहीं हकीका, मगर मैं क्या करूँ बोले बिना भी रह नहीं सकता। अब मैं क्या करूं भाई, बार बार कहना चाहता हूं लेकिन जब कहने की बात आती है तो ना जाने क्यों शर्मिंदगी पर्दे से बाहर आ जाती है, उनकी समझ में मेरी बात आती नहीं और इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। ये गीत मुझे रफ़ी साहब का बहुत पसंद है। मैं सोचता हूं कि आज कुछ बातें हम इस गीत के बारे में कर लेते हैं। और वो देखिए, झुक गया आसमान मेरी बात को सुनते ही। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया। अब हम यहाँ पे जो उस जमाने में कंटेम्प्रेरी दोस्त होती थी उसका नाम जोर से लेने लग जाते थे, प्रिया की बजाय। क्या जमाना था। आइए, मुझे तुमसे मोहब्बत है कुछ कहना है, सुन लो। रफ़ी साहब के बेशुमार गीतों को देखते हुए रिकॉर्डिंग कंपनी ने तय किया कि उनका डबल कैसेट सेट बनाना है संजीदा और गमजदा गीतों का। अब गीत तो मिल गए बहुत सारे क्योंकि रफ़ी साहब ने बहुत सारे गीत गाए थे जिनमें दुख था, विरह था, परेशानी थी। लेकिन अब जब उसके ऊपर तस्वीर लगाने की बात आई कैसेट्स के ऊपर, यहाँ फंस गई रिकॉर्डिंग कंपनी। कोई भी तस्वीर रफ़ी साहब की ऐसी नहीं मिली जिसमें वो संजीदा दिख रहे हों या दुखी दिख रहे हों। हर तस्वीर जो सामने आई रिकॉर्डिंग कंपनी के वो मुस्कुराती हुई थी। खैर, बना दिए गए डबल कैसेट सेट। खाते हैं आज ठोकरे शहर में जिंदगी के, हम तुझसे चले थे दूर दूर गम की शराब पी के, हम गम की शराब पी के हम तेरी तरफ बहक गए, तेरी तरफ बहक गए, ऐसा हमें नशा मिला। इतने संजीदा गीत और इतने सारे गीत। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, सौ बार जन्म लेंगे हुई शाम उनका ख्याल आ गया, कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। आवाज तो हम देते रहेंगे। रफ़ी साहब, आप दुनिया से रुखसत हुए हैं, आपका संगीत हमारे साथ है, आपके गीत हमारे साथ हैं और गीत चाहे किसी भी तरह के थे हम गाते हैं, गाते रहेंगे। पैरों की थकन कहती है ठहर, मुश्किल है डगर लंबा है सफर, पर दिल कहता है आखिर को गर्दिश भी कहीं ले जाएगी, लेकिन है यकीन आएगी मंजिल, आएगी मंजिल,
तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं। अल्फाज को पूरी तरह समझ के एक पैगाम दुनिया को दिया मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ ने। तकदीर कहाँ ले जाएगी मालूम नहीं। सब कुछ हो जाने के बाद भी जो फिनिशिंग कोट है वो तो डेस्टिनी से आता है। हम कितने भी प्रैग्मेटिक हों लेकिन वो तो वहीं से आता है। लेकिन रफ़ी साहब तो हर तरह के गीत गाते थे। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्हा कमाल है, अरे वल्हा कमाल है। अब मोहतरमा की तारीफ क्या करी, वहाँ रंगत ही बदलने लगी। तेरी जुल्फें परेशान, तेरी नजरें पशेमान, कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना। जब दिल मिल गए तो फिर फिक्र क्या, तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क रहे, तो ये सुबह हो ये शाम रहे न रहे। आवाज ऐसी जैसे बह रहा हो एक आबशार, और उस जमाने के गीतकार भी ऐसे के हालात को समझते हुए गीत लिखते थे। और मोहम्मद रफ़ी साहब को जैसे मालूम हो कि सिचुएशन क्या है वो उसमें वही देते थे। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। उनका हर कदम जो था वो फिल्म इंडस्ट्री को हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचाने का था। आज हम याद करते हैं रफ़ी साहब को। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे ये जतन करे मन रे तू काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा आदे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा आदे, काहे ये जतन करे हो तू काहे न धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। ये मिलेनियम अभी शुरू ही हुआ था। एक मैगजीन ने सोचा कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है, यानी 1931 में आवाज़ आई थी, उसके कुछ अरसे के बाद में फिर गीत भी शुरू हुए, प्लेबैक भी शुरू हुआ, तो सबसे अच्छा गीत कौन सा हुआ। ये कि गुलजार साहब से लेकर और सोनू निगम तक एक 30 मेंबर्स की जूरी बनी और उन्होंने मिलकर के जो फैसला किया वो था यही गीत, मन रे तू काहे ना धीर धरे। रोशन जी की धुन, साहिर साहब के अल्फाज, रफ़ी साहब की आवाज़, फिल्म चित्रलेखा केदार शर्मा जी की। और आज मैं इस गीत को इसलिए भी याद कर रहा हूँ, इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब ने किस अंदाज में गाया था, किस गहराई से और सच्चाई से गाया था। और अक्सर मैं अपने मन से कहा करता हूँ, मन रे तू काहे ना धीर धर, धीर धरे
रहता अधीर ही है मन, जो धीर धर ले वो मन क्या हुआ। सच तो ये भी है।